Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. Today in our guest interview, we have invited Poonam Hegde Madam. Madam, welcome to Acharya 90 FM. Thank you so much for having me here. My pleasure. Let me brief about Poonam Madam. Poonam is an author and a life coach. She has been working as a corporate training consultant for more than 20 years. She has trained more than 15,000 people, which includes employees of some of the esteemed companies in India, students and individuals looking for self-development. As a life coach, she continuously trains people on mindset magic, presentation skills, stress management and graphology. So today in our interview, we'll be knowing about her journey of last 20 years. So to start with, how you thought of choosing this as a career, would like to ask this question. First of all, thank you so much for a wonderful introduction. Tejaswini, I'm really excited to share some of the life experiences that I have. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई बात करता है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि हर लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक विजडम पास ऑन होता है हर एक व्यक्ति के पास, एंड उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख रहा है और उसे एक होप मिलती है. तो वही इंटेंशन से मैं यहाँ पे आई हूँ. तो आई एम श्योर एवरीबडी हु इज लिसनिंग एंड एवरीबडी हु इज वॉचिंग अस विल हैव अ लॉट ऑफ टेक अवेज फ्रॉम आर इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर ये जो जर्नी है आपकी वो चलती रही है. सो गॉड ब्लेस यू फॉर ब्रिंगिंग इन सो मेनी वंडरफुल पीपल टू योर शो. सो यू आर आस्किंग कि जर्नी कैसी रही है. तो जर्नी देखिए, अगर मैं बात करूं जर्नी की, तो मेरे पास कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है. आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु बिलीव्ड इन लर्निंग. तो मुझे हमेशा से सीखते रहने में बहुत विश्वास रखती थी मैं. बट हाँ, इतनी आसान भी नहीं रही है. अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन मैं एक और इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में. वेल, मैंने अपनी करियर की जो शुरुआत है वो मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट शुरू किया, एंड देन मूविंग ऑन टू स्लोली पेविंग माई वे टू गेटिंग इन टू समथिंग दैट आई वॉज एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ, दैट इज कम्युनिकेशन. लोगों को फेस करना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गोल है जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगी, एंड आई ओवरकेम इट. बट अगर मैं इफ आई गो बैक, अभी आपने मुझे इतना सारा आपने मेरे बारे में बताया है, मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनिशियली जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो आई यूज टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड बाय फेलिंग इन एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स. तो 4 से 5 सब्जेक्ट्स जो है वो मतलब एक रूटीन बन चुका था कि मम्मी पापा ये नहीं सोचते थे कि अभी कितना परसेंटेज आ रहा है. वो ये सोचते थे कि अब कितने सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है ये. तो ये एक बड़ा फियर लेके चलते थे वो. आज तो मैं इस बात को लेके बहुत हंस रही हूँ, अगर इन दोज डेज इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. एंड ऐसा कहते हैं ना कि जब आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो यू गेट इन टू अ मोल्ड, जिसमें आप उस मोल्ड में सांचे में आप बैठ जाते हो. आप सोचते हो कि नहीं, मैं ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे लिए पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल है. तो ऐसा अगर आप परमिट करें तो मैं एक ऐसा किस्सा मैं अपना बचपन का समझाना चाहूंगी, जिसमें आई केम फ्रेंटिकली रनिंग एट माई होम. एंड मुझे याद है 10वीं की परीक्षा थी, एंड आप जानते हैं कि 10वीं की परीक्षा उन दिनों क्या आज क्या बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज यू गेट कॉल्स फ्रॉम रिलेटिव्स अबाउट कि रिजल्ट क्या है और कितना मतलब आपने किया है, क्या परसेंटेज है, पूरा फोकस, जैसे आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो. तो ये प्रेशर तो था ही मुझ पर. तो उसके साथ साथ मैं घर आई और मैंने कहा कि मम्मी, यू नो व्हाट, मम्मी बोलने लगी कि क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ. बोलो मैं कल नहीं जा रही हूँ एग्जाम में. अच्छा, मुझे नहीं जाना है. मैं मेरा डेस्टिनी मुझे डिसाइड कर चुकी हूँ. मैं आज का सब्जेक्ट मैं हर साल में फेल होते जा रही हूँ, और मुझे मैंने इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं एल्जेब्रा में जो है मैं फेल होने वाली हूँ. मैथ्स बड़ा फियर होता है. सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए भी मैथ्स जो है उस वक्त बहुत ज्यादा, आज भी है शायद, बहुत फोबिक होते हैं लोग, बच्चे भी. तो ये था. तो शी सेड कि नथिंग डूइंग, आप ऐसा मत करो, कल जाना है आपको. ऐसे नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जा सकती. तो शी सेड बेटा, एंड आई वॉज क्राइंग, मुझे आई वॉज चोक, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी. तो मेरी मॉम ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है. अच्छा, ठीक है. आई सेड क्या, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, तुम बहुत कुछ करोगे, तुम इस फील्ड में जाओगे, तुम ये करोगे. मैंने कहा क्या कह रही हो मॉम. बोलती मैंने गुरुजी का हॉरोस्कोप जो है वो आज पढ़ा है, तुम्हारा हॉरोस्कोप आया, उसमें मैंने बताया नहीं, लेकिन ये सारी चीजें लिखे. आई सेड मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं लगातार 4-5 सब्जेक्ट्स में सालों से फेल करते आ रही हूँ, और आज का जो सब्जेक्ट है मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें. अच्छा, तो मैं नहीं जाना चाहती. तो माय मॉम हेल्प मी क्लोज एंड शी सेड दैट बेटा, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है और ये सारी चीजें लिखी है. एंड उन्होंने कबर्ड खोला और तुरंत निकाल कर पढ़ना शुरू किया. एंड बिलीव मी तेजस्विनी,
उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी चीजें बताई अपने मेरे बारे में कि मेरा ये फ्यूचर होगा, इट वॉज वे आउट ऑफ माई रीच. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी कि जाकर किसी पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में जाना या फिर एक्टिंग करना या कोई भी चीज. ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आने वाला है. मुझे लगा कि मॉम क्या कह रही है. बट देन ऐसा होता है ना कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं चलती है तो आपको कोई चाहिए रहता, कोई यू नीड दैट होप, यू नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू. तो मैंने कहा चलो ठीक है मॉम, ज्यादा मत बोलो अब मैं जा रही हूँ कल. ठीक है, तो मैं आई डोंट नो, मैंने शायद ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी. दूसरे दिन मैं गई एंड आई वेंट थ्रू द एग्जाम. मुझे कुछ मूड भी नहीं था बट आई जस्ट गेव द एग्जाम्स. वो लास्ट एग्जाम था शायद एंड आई केम बैक एंड देन कुछ नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है. मैं मॉम को कहती रही हर वेकेशन में, मॉम सुनो ना रिजल्ट आए नहीं आए, मैं ना सिर्फ एक पार्लर का कोर्स करती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, उसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं होती. तो मॉम स्टार्ट स्माइलिंग. मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है पार्लर में कोई स्किल नहीं लगता है, हर फील्ड में कुछ स्किल लगता है, हर फील्ड में एक हार्डवर्किंग यू नो एटीट्यूड लगता है. तो समहाउ मैं आज बैठ के जब सोचती हूँ एंड देन आई पास्ड, नॉट विद द फ्लाइंग कलर्स बट आई पास्ड. ओके डोंट आस्क मी कि क्या परसेंटेज था, मगर आई पास्ड. एंड उस दिन के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब भी मैं मायूस होती, मेरी मॉम का एक आदत था कि वो कबर्ड से वापस, वो आज भी करती है. अच्छा, आज भी करती है किसी बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे अटके हुए या कुछ भी, शी विल टेक आउट और हाँ ये तेरा ना ये टाइम है ना, तो ऐसा है. मुझे नहीं मालूम कि वो हॉरोस्कोप ने मेरी लाइफ बदली, लेकिन आज मुझे एक चीज पता है. जब मैं बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ट्रेन किया, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे अंदर एक SLB होता है. इसको मैं SLB बोलती हूँ हमारे कोर्सेज में, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, जो आपको होल्ड करता है, जो कहता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए यही है. तो आपको कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर आने के लिए यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. और वो कब आएगा, जब आपको ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, ये रिपीटेशंस के साथ हमारा बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होता है. तो अगर मैंने उस वक्त ये सोच लिया होता कि ओके दिस इज माय लाइफ, तो शायद मैं आज पार्लर का कोर्स करती हूँ, अच्छा भी करती. ठीक है, बहुत अच्छा करती. मगर मैंने क्योंकि वो सोच जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज क्योंकि मेरी मॉम जो है वो काफी सालों से रेपिटेशंस करती गई उस हॉरोस्कोप के थ्रू कि नो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. बिलीव मी, व्हाट एवर शी हैज सेड आई हैव ऑलरेडी डन दैट. ओके, आई जब भी मुझे एक्टिंग का मौका मिलता था ऑफिसेज में, तो आई वुड प्ले सर्टन रोल्स जो बहुत ही वियर्ड होते थे. आई कैन नॉट इमेजिन 10 साल यू नो 20-25 साल पहले ये सब करना. आई कुड डू दैट बिकॉज क्या होता है, आपकी लाइफ में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही मैजिकल है. सबकॉन्शियस माइंड में हम हमेशा SLBs रखते हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी. तो अगर आप बोलते हो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम इज अ फीलिंग ब्रेन. वो कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता. तो जो भी आप फीड करते जाओगे रेपिटेशंस के साथ, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आगे आते जाएंगी. एंड द मंत्रा इज यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी दोनों हाथ से. वो जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप पकड़ लो एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट. ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया और मेरे सामने सब कुछ आ जाए, अब मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, अब मैं बैठ जाती हूँ, सो जाती हूँ, मुझे नहीं करना कुछ अभी. ऐसा नहीं है. आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हमेशा से रहेंगी. यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज का ढेर देता रहता है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट. और आप तभी आइडेंटिफाई कर पाते हो जब ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ते हो. एंड दैट आई फील माई मॉम हेल्प मी विथ रेपिटेशंस. एंड दैट्स वाई मेरा पहला मंत्रा हर एक के लिए होता है कि रेपिटेशन बिकम्स योर रियलिटी. रेपिटेशंस जो है वो आपकी रियलिटी बनती जाती है. तो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को फॉरगेट अबाउट सबकॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन सब भूल जाओ. आप हर दिन अपने दिमाग में क्या थॉट फीड कर रहे हो, उस तरह का संधि बोलते हैं ना मराठी में, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे. और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है. यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स एंड वर्क ऑन इट. या व्हेरी नाइस. म्हटलं मला एक पुस्तक होतं त्याची आठवण झाली, ते म्हणजे नापास मुलांची गोष्ट. दॅट आय वॉज थिंकिंग की ते वाचल्यावर म्हणजे कसे म्हणजे काय आता एवढे सगळे सेलिब्रिटीज सुद्धा पाहतो. अक्षय कुमार वॉज इन शेफ अँड मोस्ट ऑफ देम लाईक सचिन तेंडुलकर वॉज नॉट डुईंग वेल इन हिज एक्झाम्स, ही वॉज डुईंग गुड इन हिज ऑन प्ले ग्राउंड. हा, सो मेनी ऑफ देम दे आर नॉट गोईंग गुड इन द अकॅडमिक्स बट दे आर शायनिंग इन अदर फील्ड्स.
Correct. Yeah, and they are shining stars. They're Correct. Celebrities or they're working in good position in various Correct. Companies. Correct. Now I'll come back. This was school time and some college time and how you thought of doing something. Correct. Yeah, we have to give to society because we are responsible for giving to society. Correct. Absolutely. So, yeah, so now I'll come back to the point. As you said, you were the first job was as a receptionist. Correct. So then from receptionist to a life coach, mm-hmm. how was that journey? Like that this. Journey was amazing, although it was difficult. I'm going to be very honest with you. The first job, jo receptionist ka job main gayi thi, at that time, mera jo wapas jo no, final year jo hai, wo bahut zyada difficult raha tha. To us wajah se mujhe ye dar lagne laga tha ki agar main, dekho abhi wahan pe bhi mera ye thought tha, mera fear tha ye ki agar main is baar pass nahi hoti hu, aur agar maine koi job nahi li, तो प्रोबेबली मेरे डैड कहेंगे कि बेटा यू हैव टू गेट मैरिड. तो वो मैरिज का जो फियर है दैट वाज सो ड्राइविंग दैट आई वेंट और न्यूज़पेपर में पहला जो जॉब मुझे दिखा मैंने उसको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड आई वेंट अहेड. एंड जैसे मैं गई तो वहां पे मैं बैठ के मैं देख रही हूँ कि मैं एक यंग सी लड़की और आसपास देख रही हूँ वहां पे पीपल विद ग्रे हेयर राइट एंड पीपल विद मोर एक्सपीरियंस. सभी लोग एक्सपीरियंस्ड है और बैठे हैं और आई स्टार्टेड शिवरिंग. अब मैं आपको मेरे लाइफ का सेकेंड इवेंट बताती हूँ दैट ड्रोव मी कि मैं ये सारा चीज कर पा रही हूँ. मुझे डर लगने लगा, मुझे ऐसा लगा कि अरे अब मैं क्या करूँ. सभी लोग एंड आई वॉज मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा फोबिक थी, बहुत ज्यादा डर लगता था. तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए. मैं शिवरिंग वॉइस में कोई मुझे पूछ भी रहा है आप पहली बार आए हो, आप कहाँ रहते हो, तो मुझे कुछ बोलने को भी नहीं हो रहा था. आई वॉज दैट अफ्रेड. तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे मिस्टर मुकाशी एंड ही वाज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग सेगमेंट. तो वो कई बार ही वाज इनफेमस, वो कभी भी क्लास में आते थे और बोलते थे चलो आज प्रेजेंटेशन है, ठीक है चलो आज ये टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे दो. एंड मैं क्या है एक डरी हुई सी बच्ची जो पीछे बार बार ऐसे देख रही हूँ, छुप रही हूँ किसी के पीछे. तो वो सबसे पहले ऐसे बच्चों को ही उठाते थे. तो व्हेन ही सॉ लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्रेजेंटेशन स्ट्रेस है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था विजुअलाइजेशन का. तो वो विजुअलाइजेशन उस वक्त तो हमने सुन लिया, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था मेरे, अच्छा ये विजुअलाइजेशन ऐसा होता है कि आंख बंद करो और अपने आप को कॉन्फिडेंट देखो, जो भी चीजें आप चाहते हो उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है आपने, ऐसा महसूस करो. बट एट दैट यंग एज मुझे ऐसा लगता था ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं दिमाग में बोल दूंगी ऐसे हो जाता है क्या, नहीं होता ऐसे. तो लेकिन जब जॉब की बारी आई, ऐसा होता है ना कि जब आप डरे होते हो और यू आर इन डेस्परेट सिचुएशन, तो आप हर चीज जो आपने सुनी है उसको आप मान लेते हो, बोलते कि चलो ठीक है मैं ये करती हूँ. यू वॉन्ट बिलीव, आई वेंट टू द बाथरूम, आई वेंट देयर एंड फॉर 1-2 मिनट्स आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन, जो मुझे मैंने 2 साल पहले सर के मुंह से सुना था. तो मैंने वो आंख बंद किया एंड आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट ओके यूनिवर्स आई एम रेडी, ठीक है आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड इट इज वर्किंग इन माई फेवर. एंड आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग की मैं जा रही हूँ केबिन में, हाथ मिला रही हूँ, आई एम स्माइलिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम वेलकमिंग, और मुझे वो ऑफर लेटर मिल गया है. तो उस वर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली 75% ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉज गोइंग थ्रू वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया एंड आई सैट एंड आई गॉट द जॉब. एंड दैट जॉब एक्चुअली चेंज माई लाइफ बिकॉज उसमें आई गॉट अ लॉट ऑफ मेंटर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी जर्नी में. यू हैव टू बी ओपन टू लर्निंग एंड दैट वॉज वन थिंग दैट आई हैड. भले मेरे पास बहुत ज्यादा स्किल सेट नहीं थे उस वक्त, नॉलेज नहीं था बहुत सारी चीजों का, बट मेरे मॉम ने कहा था कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू यू हैव टू पुट एफर्ट, जो सचिन तेंदुलकर भी बाय द वे कहते हैं कि आपके हाथ में आपके बहुत सारी चीजें होगी जो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है. जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं आज मैं जाऊंगा फील्ड पे तो मैं सिक्सर लगाऊंगा या सेंचुरी मारूंगा, वो मुझे नहीं मालूम है. मेरे हाथ में एफर्ट्स है, मैं प्रैक्टिस जो है वो करूंगा एंड मैं वो उसी पे फोकस रखूंगा एंड दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सक्सेस. तो मैंने वही किया, मैं रिसेप्शनिस्ट थी, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. यू वोंट बिलीव उस इंस्टीट्यूट में आज तक भी कोई भी, मतलब उस वक्त तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं था, बट व्हेन आई वेंट इन 6 मंथ्स देयर वाज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड द मैडम आस्क्ड मी यू आर गुड एट कम्युनिकेशन विल यू बी एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी. आई सेड व्हाई नॉट. सो आई वेंट देयर. तभी उस वक्त मैं टेक्निकल ट्रेनर बनना चाहती थी बट समहाउ आई डिडंट हैव द टैलेंट फॉर दैट. सो आई एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दिस इज व्हाट एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. सो आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. मैं फोर्ट में जाती थी, वहां पे बुक्स लगे होते हैं. आज तो हम फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, बहुत सारे जगहों से मंगाते हैं. उस वक्त 60 रुपीज में बुक मिलती थी. मैं 60 रुपीज के हर मंथ आई वॉज अ कीड़ा.
मैं छे छे बुक्स जो है वो लेके आती थी घर पे, एंड माय मॉम यूज्ड टू से क्या कर रही है तू इतने इतने बुक्स लेके। अच्छा। तो बुक्स लेती थी, दो महीने में जैसे खत्म होता था, आई टू गो देयर, वापस उनको दे देती थी कि भैया ले लो बुक, फिर एक्सचेंज में नए बुक्स। मैंने अपने लाइफ में रीडिंग में इन्वेस्टमेंट कर लिया। एवरी मंथ मैं आज भी करती हूँ, हर एक व्यक्ति से सीखती हूँ। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट, आई वॉज वर्किंग एज एचआर मैनेजर, आई वॉज वर्किंग एज अ ट्रेनिंग मैनेजर, एंड ट्रेनिंग मैनेजर के बाद 6 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं, मुझे और भी कुछ करना है। और अगर मैं इसी में, इट वॉज अ सेल्स जॉब, सो अगर मैं इसी में रहूं तो नंबर क्रंचिंग करते रहूंगी मैं। फिर ट्रेनिंग, आई वॉन्टेड टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, आई वॉन्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं जो है, मैं 6 साल में अपना खुद का जो करियर है शुरू करूंगी एज अ फ्रीलांसर, बट इट टुक मी 8 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम, फिक्स्ड इनकम, वो छोड़ना नहीं चाहता कोई। तो उसे टाइम लगा, बट देन आई फील ग्रेट बिकॉज 8 ईयर्स में आई स्टार्टेड एंड विद इन 6 ईयर्स मेरा बिजनेस जो है वो भी अच्छा होने लग गया। And I worked with some of the big giants in India like Siemens, L&T, HPCL, BASF. So 100+ companies ko train karne ka, employees ko train karne ka mauka mila. Not only that, I started out with small projects. Pehle main aise projects koi bhi kehta tha project hai, to I would say yes. And wo fir wo kahin pe bhi ho sakta tha. So I used to go to Khandesh, jo ye kehte Vidarbh kehte hai. To Vidarbh segment mein bahut sare engineering MBA colleges hai. तो वहां पे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट स्टूडेंट्स। तो वहां पे वी डिड अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉपिक्स लाइक माइंडसेट मैजिक विच हैज बीन क्रिएटेड। आज भी मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है मैं लेती हूँ, इट्स बीन 20 ईयर्स तेजस्विनी, एंड इट फील्स सो ग्रेट दैट आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई एम डूइंग, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई डू सर्टन थिंग्स दैट आई लव एंड आई गेट द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मैं हर दिन वही कहती हूँ कि वॉट एवर आई डू आई एम गोइंग टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। एंड ये आसान नहीं था कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड आउट आई वाज वेरी यंग, एंड उस वक्त मेरे फैमिली में किसी ने फ्रीलांस का वर्ड ही नहीं सुना है। तो अभी इसमें मैं एक मंत्र आपको, थर्ड मंत्र देना चाहती हूँ। फर्स्ट मंत्र मैं आपको दे चुकी हूँ, क्या दे चुकी हूँ मैं आपको फर्स्ट मंत्र, योर रेपुटेशन बिकम्स योर रियलिटी, बिकॉज द शो इज नॉट अबाउट मी, द शो इज अबाउट विजडम दैट पीपल कैरी थ्रू देयर जर्नी। एंड सेकेंड मंत्र मैं आपको दे चुकी हूँ कि विजुअलाइज, आपने एक बार सोच लिया आपका गोल, आप डिसाइड करो एंड विजुअलाइज। मैंने सोचा था 8 साल में करूं, 6 साल में करूंगी, इट टुक मी 8 ईयर्स, बट इट्स ओके, बट यू हैव डन इट, आई हैव डन इट राइट। तो विजुअलाइज जो भी आपका गोल है, स्पेसिफिकली एक गोल जो है, 10 गोल मत बनाओ, एक गोल बनाओ और उस पर पूरा फोकस डाल दो, एफर्ट्स डालो और विजुअलाइज करते रहो। थर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है कि आप जो कुछ भी करो उसमें यू हैव टू एड वैल्यू। मेरे लिए कॉर्पोरेट्स बहुत डिफिकल्ट रहा है फ्रीलांस में, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड। तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं आप बहुत यंग हो, आपने, लोगों ने फ्रीलांस का वर्ड सुना नहीं है। तो आई वॉज डूइंग रियली वेल इन माई जॉब, एंड उस जॉब को छोड़ना इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज आपके पेरेंट्स भी सोचते कि तुमने इतना एफर्ट्स डाला है एंड तुम अभी छोड़ रहे हो, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा यू डोंट नो। तो आई सेड नहीं, ये एक अच्छा बिजनेस है, बिकॉज इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट देन बहुत सारी चीज मैं कर पाऊंगी। तो आई डिड दैट इनिशियली एज अ फ्रीलांसर, मुझे बहुत सारा फ्री टाइम मिला। 6 मंथ्स नथिंग हैपेंड, ठीक है, 6 मंथ्स मैंने फिर बाद में वो प्रोजेक्ट लेना चालू किया जहां पे, वहां पे रिलायंस फ्रेश का बहुत प्रोजेक्ट चलते थे। तो आई स्टार्टेड विद पीपल हु वेर नॉट इवन एंट्री लेवल, आप एंट्री लेवल भी नहीं बोल सकते, प्यून टिक्के वाइफ, जिनको यू नो जो भाजी तरकारी है उसके सामने खड़े रहना है, कस्टमर सर्विस, वहां पे भी मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते करते कॉर्पोरेट्स में इट इज नॉट इजी, बिकॉज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हर एक व्यक्ति देखता है। तो ये स्टार्ट करते हुए मुझे ऐसा लगा कि अरे आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज क्या होता है बहुत सारी चीजों में, देखिए मैं कभी किसी को नाम नहीं देना चाहती, बट देन ऐसा है कि कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब लोग अटेंड करते हैं तो दे फील यस करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम वाला फीलिंग होता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। एंड व्हेन द ट्रेनर इज आउट, जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है 2-3 दिन का, उसके बाद द मोटिवेशन गोज डाउन द ट्रेन, आपको वो मोटिवेशन नहीं रहता राइट। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स है, जो आज मुझसे साल में शायद एक बार मिलेंगे या हो सकता है कि 6-6 महीने में मिलते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ये जो उनका लाइफ का गोल है उसको अचीव करे और लाइफ लॉन्ग एक टूल दू। तो आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड फ्रेंड हु सेड कि अरे ग्राफोलॉजी इज समथिंग दैट यू कैन
तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफोलॉजी विच इज हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड देन आई केम आउट विद लॉट ऑफ टूल्स. पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. मंत्र नंबर 3, आप अपने आप में डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करें. हर वीक एंड पे आपने खुद को पूछना है कि आज मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ा? वो करे पढ़ाई है, किसी को लोगों से मिलना है, उनसे बात करके विजडम लेना है, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू बी वेरी ओपन फॉर लर्निंग. अगर वो आप करते हो तो आप बहुत सारी चीजें जल्दी अचीव करोगे. सभी के लाइफ में सक्सेस है. लेट मी टेल यू, ये झूठ है कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता. आज एक हाउसवाइफ भी जो बैठी है घर में वो भी सक्सेसफुल है. रनिंग हाउस इज नॉट इजी एंड इट इज समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है. तो आज मुझे लगता है क्योंकि मेरे शादी को अभी 4 साल हो गए, तो मेरे भी बच्ची है 3 साल की, तो मुझे पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज एवरीथिंग. वुमेन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. आई कैन बी अ लिटिल बायस कि आपको सबको टाइम देना होता है. तो मंत्र नंबर 3 इज लर्निंग हैज हेल्प मी टू ग्रो एंड बी वट एवर आई एम टूडे. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मंत्र नंबर 1 इज रेपिटेशन बिकम्स योर रियालिटी. सेकेंड मंत्र इज विजुअलाइज, क्लियर रहे आपके गोल में. थर्ड मंत्र इज बी ओपन फॉर लर्निंग. तो ये मेरी जर्नी रही है और आज भी चल रही है. आज मैं बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स करती हूँ. उसमें से एक पार्ट माइंडसेट मैजिक है, जहां पे मैं यही सिखाती हूँ. मेरे जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, जहां पे एक बहुत ही इंट्रोवर्ट सी, बहुत ही कहते हैं ना डिप्रेस्ड रहने वाली जो लड़की है, जो पढ़ाई को लेके एकदम सताई हुई, मगर शी वॉज वेरी मोटिवेटेड टू लर्न. तो कैसे वो सारे जो विजडम है जो मैंने मेंटर्स से सीखे हैं, मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया है, उसी का एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम है माइंडसेट मैजिक, जिसको मैं ऑनलाइन यू नो हमेशा ये करती हूँ, अप्रोच करती हूँ लोगों को. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू माय प्रेजेंटेशन कोर्सेज, कम्युनिकेशन कोर्सेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज. तो ये भी जर्नी चल रही है और बहुत ही अच्छी चल रही है. वी वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम यू, बट वी जॉइन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. कीप लिसनिंग आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. टुडे वी आर हैविंग अ ग्रेट सेशन विद पूनम हेगड़े मैम. शी इज अ ऑथर, अ राइटर एंड अ लाइफ कोच. सो कीप, वी मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू. आचार्य 90 FM. Welcome after a short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have our guest Poonam Hegde Madam, which is an author and a life coach. Ma'am, now I would like to ask you what exactly, how to build up a confidence, because students, we are also having a radio station in the college premises, Acharya Marathi College. So now the period is of exam period. So vivas are going on, some practicals are going on, and we are facing the examination. We are shortly going to present the board exam, the board exam. So how to build up the confidence, how to go for prepared for exam, and overall for in life, whatever circumstances we are facing, we should have confidence, inbuilt confidence in us. So can you put a light on this confidence building? ओके, नाउ दिस इज वन कॉमन क्वेश्चन जो मैं इतने सालों से मेरा ट्रेनिंग कर रही हूँ. आप बिलीव नहीं करोगे बीट, अभी आपने तो सिर्फ स्टूडेंट्स का कहा, बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मे बी इट्स अ एंट्री लेवल और अ सीनियर लेवल प्रोग्राम्स आल्सो. ब्रेक पे है ना कुछ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होते हैं. तो अब सोचे ब्रेक में आके जब कोई क्वेश्चन पूछता है, मतलब दे हैव दिस यू नो ऑकवर्डनेस ऑल्सो कि मैं एज अ सीनियर मैनेजर मैं कैसे खड़े रह के इतने लोगों के सामने बोलूं, या तो कैसे मैं बात करूं, या फिर मैं एज अ स्टूडेंट कैसे अप्रोच करूं. तो वो ब्रेक पर आकर मुझे हमेशा यही पूछते हैं कि हाउ डू आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ. ओके, तो कई बार तो मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी पूछते हैं कि अगर मैं अपने हाथों को स्टीपल करूं, अपने हाथों को यू नो जैसे मोदी जी करते हैं पॉज लेके बात करूं, या मैं अपने हाथों को ओपन पाम्स जेस्चर्स यूज करूं, एंड मैं वो सारी चीजें जो उन्होंने देखी है कहीं ना कहीं वीडियो में वो मुझ पे थ्रो करते हैं, एंड दे आस्क मी कि तब मैं कॉन्फिडेंट लगूंगा या नहीं. अच्छा, क्या टिप्स आप दे सकते हैं कॉन्फिडेंट बनने के लिए? तो मैं भाई आपको एक ही चीज बोलूंगी कि सबसे पहली चीज है जो एज अ स्टूडेंट मैंने भी फेस की है. आप ही के जैसे आई वॉज अ वेरी यू नो अ पर्सन जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो था. एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से भी नहीं बोल सकती मैं. भाई 4-5 फेल तो मतलब बिलो द एवरेज हो गया. तो वो तो मैं इस वक्त मैं इतना ही कह सकती हूँ आपको कि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट है,
तो आपको क्या लगता है कि आपको ये बाय हार्ट करने की जरूरत है या प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मैं अपने हाथों को ऐसे रखू या किस तरह से बात करूं, पॉज करूं, फिंगर पॉइंटिंग यूज करूं? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद इन, ऑटोमेटिकली ऑल दैट कॉन्फिडेंस विल रिफ्लेक्ट इन योर जेस्टर्स। बात समझ रहे हैं कि आप मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं है, है ना? अगर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं अंदर से तो मैं ये बहुत आसानी से कर सकती हूँ। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कई बार, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट, बट अपना क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकती, आप बंद करके किसी कॉर्नर में बैठ जाइए। सबसे सिंपल तरीका बताओ मैं आपको आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, पहले वो बात करते हैं। एक कॉर्नर में बैठ जाइए, एक रूम में बैठ जाइए और वहां पे सिर्फ अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने पास्ट के बारे में सोचिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप देखिए कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चकनाचूर होता है, क्योंकि आप क्या होता है कि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी कि मैं पहले भी नहीं कर पाया, क्या मैं ये कर पाऊंगा, मैं आगे कर क्या करूंगा, मेरे लिए कोई लाइफ है या नहीं। आई एम रिलेटिंग इट टू माई ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो ये हर एक का होता है। आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो समझो, और आप बाथरूम में बैठे हो, सोच रहे हो कि मैं बात कर पाऊंगा या नहीं, मैं कोई मेरे वर्ड्स कुछ ऐसे तो नहीं हो जाए कि पीपल विल बिलीव मी, लोग क्या सोचेंगे, मैं सीनियर हूं और मैं ऐसा नहीं प्रेजेंट कर पाया था। तो ये सारी चीजें या तो फ्यूचर या पास्ट, राइट? तो फर्स्ट मंत्रा दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज दिस इज वन मंत्रा जो मैं हर स्टूडेंट को देती हूँ, फोकस ऑन योर इनर सेल्फ। अंदर से पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, सिक्योर हो जाओ। इनसिक्योरिटीज के वजह से SLBs होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। अगर मैं हर दिन इनसिक्योरिटी, मान लो तेजस्वी आप अपना शो चलाती है और आप हमेशा सोचे अपने बहुत सारे लोगों को आप एडमायर करते होंगे, आपके फील्ड में भी होंगे, उनको देखकर अगर मैं बोलूं कि आकाश मैं इनके जैसे बोल पाती, मैं इनके जैसे नहीं बोल पाती, क्यों नहीं बोल पाती, सो यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ। नो कंपेरिजन, फर्स्ट थंब रूल टू बिकम मोर सिक्योर इज नो कंपेरिजन। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स बिकॉज उनका अलग जब आप उनको कंपेयर करते हो तो आप अपने आप पे डाउट करोगे। यू विल इंक्रीज सेल्फ डाउट इन योर सेल्फ वेन यू आर कंपेयरिंग विथ पीपल, राइट? यू इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर, यू कंपेयर कि आज मैं क्या कहां हूं, पहले मैं कहां थी, एंड देन उसको ट्राई टू इम्प्रूव। एवरी वीकेंड यू कैन डू इट, एवरी संडे सिट कि मुझे एक क्वालिटी क्या इम्प्रूव करनी है, मैंने क्या अब तक अचीव किया है, देन आप उसको आगे बढ़ाओ। बहुत मजा आता है ये करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि अच्छा ये दो चीजें जो मुझे इम्प्रूव करना है, एंड एक मंथ के बाद जब मैंने वो हासिल कर लिया होता है तो मैं उसको कट कर देती हूँ, एंड आई फील ग्रेट। जब आप कट करते हो ना तो ऐसा लगता है अरे वाह क्या शाबाश, क्या किया मैंने आज, आई अचीव माई गोल। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो नो कंपेरिजन, सेकेंड नो कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, कंपेरिजन नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिशन क्यों नहीं होना चाहिए? आज हम एक ऐसे एनवायरमेंट में जहां पे डिजिटली हम लोग बहुत एडवांस्ड है, आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो वहां पे भी बहुत कंपेरिजन होता है। बाय द वे मैं बहुत सारे काउंसलिंग्स भी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों की लाइफ FB पे बहुत ही लुक्रेटिव लगती है, बहुत लग्जूरियस लगती है, बट जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो देयर लाइफ हिस्ट्री इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो डोंट बिलीव वॉट एवर यू सी ऑन द इंटरनेट। ओके, सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके ऊपर, आपके एटीट्यूड पे है। तो नो कॉम्पिटिशन। आप देखते हो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे, आप बोलते हो कि अरे मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? ये देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, इसका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, right. तो अगर आज एज अ बिजनेस पर्सन और अ सीनियर मैनेजर और अ स्टूडेंट मैं सोचू कि देखो ये नंबर वन पे जा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपको और क्या होगा, कंपैरिजन एंजाइटी क्रिएट करता है, कंपटीशन जलसी क्रिएट करेगा, ये आपके वाइब को खराब करेगा। आपके अंदर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन करना जरूरी है। आप समझे कि अगर मैं आज बहुत खुश हूं तो ऑटोमेटिकली जो चीजें मेरे सामने आती है उसको देख के मुझे जलस नहीं होना चाहिए, मुझे सब ये क्या कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से वो कर पा रहा है। लर्न फ्रॉम देम। आई थिंक आई हैव लर्न मेजरली फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मैं जब नाइन्थ स्टैंडर्ड होता था या टेंथ स्टैंडर्ड का होता था, आई वुड मैं हमारे जो फ्रेंड्स होते थे जो एक्सेलेंट होते थे, आई रिमेम्बर हीना वॉज वन पर्सन जो हमारे स्कूल में बहुत एक्सेलेंट थी मैथ्स में, तो मैं उसके साथ बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। देन देर वेर लॉट ऑफ कॉलेज में भी बहुत थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मुझे लेके बैठ जाती थी, कोमल, उनके साथ में भी मैं बैठकर उससे सीखते रहती थी। तो आई हैव लर्न्ड। तो आप सीखे, जलस मत फील कीजिए, आप सीखे उनसे। नो कंपेरिजन,
नो कॉम्पिटिशन ओनली पॉजिटिव कम्युनिकेशन. आप हर दिन अपने आप को क्या थॉट्स फीड करते हो, क्या कह रहे हो. तो अगर आपको एग्जाम फियर है तो एक मंत्रा देती हूँ मैं, ठीक है, क्या कर सकते हो. आपको हर दिन अगर आप 5 मिनट निकाल सकते हो तो ये आप फॉलो कर सकते हो. 5 मिनट्स यू हैव टू क्लोज योर आईज और अपने आप को बोलो कि मुझे पढ़ाई में बहुत मजा आता है. अच्छा, ठीक है, बहुत मजा आता है और मैं हर तरह की किताब में इंटरेस्ट देता हूँ. मैं एक्सेलेंट हूँ. तो क्या कहोगे, आई एम द बेस्ट, मैं एक्सेलेंट हूँ, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है. एंड आपका जो भी टारगेट है, ठीक है, कि मैं हर मैथ्स आपका फियर है, ठीक है, तो आप लिखे कि मैं मैथ्स में एक्स स्कोर जो हूँ वो अचीव कर पा रहा हूँ. ये आपको बोलना जरूरी है. स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड ऐसे बहुत सारी चीजें. ये देखिए कैसा है ना, अभी मैं जो आपको मंत्रास बोल रही, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर नियरली 20 ईयर्स, तब जाके आ रहा है. तो आप शुरुआत करें. एंड देर आर लॉट ऑफ यू नो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेनी ऑफ आर कोर्सेज, ऑफकोर्स हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं. देर इज अब चैनल इनसाइट कोच पूनम, जहां पे मैं फ्री रिसोर्सेज देती हूँ. और वो फ्री रिसोर्सेज उन सबके लिए जो अपने जीवन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ मैजिक लाना चाहते हैं, तो आप उसको देख सकते हो. यू कैन रीच आउट एंड इन्वेस्ट करें खुद पर. आप इम्प्रूव करें खुद पर. लेकिन 10 मिनट आपको डेली बोलना है, रात को 10 मिनट आपको डेली बोलना है. जो भी आपका फियर है, माइंड स्वैप करें. इसको माइंड स्वैप कहते हैं हम लोग. मान लीजिए अगर आज आपको बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आया है एंड तेजस्विनी इज फीलिंग बटरफ्लाई, यू नो शी हैज बटरफ्लाईज इन योर स्टमक, तो इफ यू हैव बटरफ्लाईज इन योर स्टमक तो आप बोल सकते हो कि ओके, आई एम एन एक्सेलेंट होस्ट एंड आज मैं बहुत, मुझे मजा आने वाला है उनको होस्ट करते हुए. एंड बहुत सारी चीजें हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे. तो अपने आप को लो पेडेस्टल पे मत रखिए, हाई पेडेस्टल पे रखिए. घमंड ना करें, बट एक्सेप्ट दैट वी ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, सो नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, ओनली पॉजिटिव कम्युनिकेशन. पॉजिटिव एसोसिएशन भी बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस तरह के क्राउड के साथ बैठते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप अगर सोचो कि मैं आंख बंद करके सोचते रहूंगे, नहीं हो रहा है. दैट इज बिकॉज आपका कहीं ना कहीं एसोसिएशन गलत है. तो दिस इज वन स्मॉल मंत्र जो मैं आपको इसमें दे सकती हूँ. होप यू एंजॉयड इट. मैम, डेफिनेटली वी एंजॉयड. एंड आई थिंक वी हैव, एज यू सेड, यू मेंशन अबाउट योर 4 मेन टॉपिक्स, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स, माइंडसेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ग्राफोलॉजी. सो आई थिंक वी शुड डील विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड इन कमिंग डेज. सो आई थिंक ऑन दिस नोट ओनली आई वेलकम यू. वी विल डेफिनेटली विल गो डीपली इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू वेरियस ऑल द stages of life. Correct. So we will have to go deep into this subject. So I welcome you for exchanging your thoughts on this all 4 subjects. Thank you for sharing your journey and making us giving us fruitful knowledge and making us happy. Thank you so much. It's always a pleasure. Thank you, ma'am. So friends, today we had author and life coach Poonam Hegde madam, and she shared her journey with us today in this interview. We will be meeting up with the next session with the Poonam Hegde ma'am. Till then, keep listening Acharya 90 FM. Myself Tejaswini signing off for today. Thank you. Thank you. Acharya.